नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद और विधायकों से बटवाएंगे तेल, नमक और चना, जाने कब से होगा वितरण। विधानसभा चुनाव करीब है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुफ्त खाद्यान्न के साथ साथ तेल, नमक और चना वितरण कराने की घोषणा कर चुके हैं। इस महीने की 12 तारीख से वितरण शुरू करने की तारीखें तय कर दी गई है। हर विधानसभा क्षेत्र में सांसद, विधायक और वितरण की शुरुआत कराई जाएगी। गेहूं, चावल और रिफाइंड की आपूर्ति तो तेल मिल चुका है, लेकिन नमक और चना की आपूर्ति अभी तक नहीं मिल पाई है। मुफ्त में वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न वितरण के पीछे सरकार की मंशा आगामी विधानसभा चुनाव में कार्ड धारकों को प्रभावित करना है। योगी सरकार का ऐलान, 68 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट 20 दिसंबर को होगा कार्यक्रम। योगी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि निशुल्क टैबलेट व स्मार्टफोन किसे किसे दिए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। नोडल एजेंसी यूपी डेस्को की ओर से इसकी खरीद के लिए वित्तीय निविदा पूरी कर दी गई है। आपूर्ति सैमसंग, एसर और लावा जैसी कंपनियां करेंगी। धान खरीद केंद्रों पर लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया ये सख्त निर्देश। धान खरीद में नया मुकाम हासिल करने में जुटी योगी सरकार ने चालू खरीफ सीजन में अब तक 3,99,067 किसानों से 21,994 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। किसानों को उनकी उपज की खरीद के बदले समय पर भुगतान किया जा रहा है। बीते 72 घंटों में किसानों के खातों में 2,697.15 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। गुरुवार को किसानों से 1.29 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जो एक रिकॉर्ड में गेहूं खरीद में आश्वासनीय परिवर्तन लाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने धान खरीद को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया है। मानव एवं प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यूपी में करें निवेश योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि राज्य में पर्याप्त मानव एवं प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है। दुबई एक्सपो 2020 में यूपी पिवेलियन के उद्घाटन कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि यूपी में पर्याप्त जल संसाधन, बेहतर कनेक्टिविटी, पर्यटन की अपार संभावनाओं के साथ सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त करवाया कि प्रदेश में निवेश बेहतर माहौल विकसित है। यूपी के प्रधानों की ओर बढ़ेंगे अधिकार, जानिए क्या कदम उठाने जा रही है योगी सरकार। प्रधानों की समस्याओं के समाधान और अधिकारों में बढ़ोतरी पर योगी आदित्यनाथ सरकार विचार कर रही है। जल्द ही प्रदेश के सभी 58,000 से अधिक प्रधानों को लखनऊ बुलाकर मुख्यमंत्री इसका निर्णय ले सकते हैं। पंचायती राज संवाद कार्यक्रम में शुक्रवार को पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। पंचायती राज निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग की तुलना में जो काम प्रधान कराते हैं उसकी गुणवत्ता बेहतर होती है। बैंकों की हड़ताल में शामिल होंगे 50,000 कर्मचारी। बैंक लॉ अमेंडमेंट बिल के विरोध में 16 और 17 दिसंबर को होने वाली हड़ताल का उत्तर प्रदेश में व्यापक असर देखने को मिलेगा। बैंक यूनियनों का दावा है कि इस दौरान पूरे प्रदेश में एक भी सरकारी बैंक नहीं खुलेंगे। इसके साथ निजी बैंकों को भी बंद कराया जाएगा। ऐसे में अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो 15 दिसंबर तक करा ले। 16 दिसंबर को गुरुवार और 17 दिसंबर को शुक्रवार को बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 18 दिसंबर शनिवार को बैंक खुलेंगे, लेकिन 19 को फिर रविवार होने की वजह से बैंक बंद हो जाएंगे। ओमिक्रॉन अलर्ट, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर यात्री कोरोना की तीसरी लहर को गंभीरता से नहीं ले रहे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पूरे विश्व में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बावजूद कुछ लोग इसकी गंभीरता से नहीं समझ रहे हैं और लगातार लापरवाही कर रहे हैं। बाजार हो या रेलवे स्टेशन, यहां बड़ी संख्या में लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बात पर जब प्रयागराज जंक्शन पर इस हकीकत की पड़ताल की गई तो पता चला कि यहां कोरोना की जांच की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन यात्री खुद जांच कराने से कतरा रहे हैं। वाराणसी में 13 दिसंबर को सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी। किसान आंदोलन के लिए जुटे किसान अब वापस जाने लगे हैं गाजीपुर बॉर्डर से। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज से किसान अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन हम 15 दिसंबर को घर जाएंगे, क्योंकि देश में हजारों धरने पर चल रहे हैं। हम पहले उन्हें समाप्त करवाएंगे और उन्हें घर वापस भेजेंगे। 13 दिसंबर को पीएम मोदी काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए वाराणसी आ रहे हैं। इस मौके पर जिले में हजारों लोगों की भीड़ रहेगी।
यूपी में बड़ी ठंड और प्रदूषण का प्रकोप, यहाँ जाने अपने शहर का तापमान और AQI। दिल्ली NCR में मौसम का रुख लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ के कई शहरों में आए दिन तापमान में गिरावट दर्ज किया जा रहा है। हालांकि दिसंबर की शुरुआत के साथ ही यहाँ ठंड महसूस होने लगी है। इसके अलावा महीने की शुरुआत में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के साथ ही बारिश होने से ठंड बढ़ गई थी। यूपी के उत्तर पूर्वी इलाकों में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। आज मौसम का अंदाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर। यूपी में कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता। लखनऊ में तेजी से बढ़ रहे मामले, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। आज से ही पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा कायम हो गया है। उत्तर प्रदेश भी कोरोना ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक यूपी में ओमिक्रॉन के मामले नहीं मिले हैं। यूपी में कोरोना वायरस के दूसरे लहर के दौरान कोरोना के डेल्टा वेरियंट ने जमकर तबाही मचाई थी। अब फिर से ओमिक्रॉन के खतरे के बीच डेल्टा वेरियंट के मामले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ने लगे हैं। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।